मैं तैनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयुल दी चनाक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, संस्मरण, पंजाबी लोकगीत और आत्मकथा, अमृता ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी। महिलाओं के मन में उलझे ख्यालों और बाहरी कैद की परेशानियां लगभग सभी लेखों में दिखाई दी। When the man denies the power of woman, he's denying his own subconsciousness. We had a very beautiful concept of Ardhanarishwar. The God is half man and half woman. That means when they combine, the whole human being is created. अमृता प्रीतम ने बंटवारे की आग में महिलाओं को जलते देखा, उनके अनुभवों को कलम के जरिए बांटा, खासकर पिंजर उपन्यास में। अमृता पंजाबी साहित्य में अपनी अलग जगह बनाने वाली पहली पंजाबी महिला लेखिका बनी। क्रांतिकारी विचारों की ताकत ने उन्हें नारीवाद से बहुत पहले नारीवादी के रूप में पहचान दिलाई। तू अपने देश चली जा, तू अपने लोगों के बीच चली जा। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली वे पहली महिला बनी। आज भी उनकी विरासत, विचार और आवाज जीवित है, जो आज के फेमिनिस्ट लेखकों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।